कि भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज जीत के साथ किया, जहां पहला वनडे भारतीय टीम ने 5 विकेट से अपने नाम किया। वहीं बारबाडोस के कैनिंगटन ओवल मैदान पर गुरुवार को हुए इस मैच में कई रोचक मोमेंट्स देखने को मिले। बता दें कि इस दौरान बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव विकेट कीपर संजू सैमसन की जर्सी पहनकर खेलते हुए दिखाई दिए, तो कोहली, गिल और रविंद्र जडेजा ने शानदार कैच पकड़े। वहीं 14वें ओवर की पहली बॉल पर ईशान किशन का कैच छूटा, पर इसी बॉल पर हार्दिक पांड्या रन आउट हो गए। तो चलिए जानते हैं मैच से जुड़े कुछ ऐसे ही यादगार लम्हों के बारे में। नंबर 1, संजू सैमसन की जर्सी पहनकर उतरे सूर्य कुमार। बता दें कि टॉस के बाद जब भारतीय टीम फील्डिंग के लिए उतरी तो सूर्य कुमार यादव विकेट कीपर बैटर संजू सैमसन की जर्सी पहनकर खेलते हुए नजर आए। वे सैमसन की जर्सी पहनकर बैटिंग करने भी उतरे। दरअसल इस बार सैमसन को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला, हालांकि उनकी जगह ईशान किशन को बतौर विकेट कीपर खिलाया गया। नंबर 2, जडेजा ने पकड़ा हाई जंप कैच। बता दें कि मैच में 8वें ओवर में जडेजा ने तब हाई जंप कैच पकड़ा जब डेब्यूटेंट मुकेश कुमार गेंदबाजी कर रहे थे। मुकेश ने एथनास को पहली बॉल ऑफ में गुड लेंथ पर उछाल भरी बॉल डाली, जिसे एथनास कट करके पॉइंट के ऊपर से चौका मारना चाहते थे। एथनास ने अच्छा शॉट लगाया, लेकिन पॉइंट पर खड़े जडेजा ने हवा में छलांग लगाते हुए बॉल को कैच कर दिया और एथनास को पवेलियन लौटना पड़ा। नंबर 3, पहली स्लिप पर गिल का शानदार कैच। बता दें कि मैच में 18वें ओवर की दूसरी बॉल पर पॉवेल आउट हो गए। दरअसल वे जडेजा की ऑफ से अंदर आती बॉल को समझ नहीं सके, और जब तक पॉवेल बॉल को समझ पाते बॉल बल्ले का बाहरी किनारा लेकर फर्स्ट स्लिप पर खड़े गिल के पास चलती गई, जिस पर गिल ने भी शानदार फुर्ती दिखाई और कैच लपक लिया। हालांकि गिल के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम था। नंबर 4, कोहली ने स्लिप पर पकड़ा सिंगल हैंड कैच। बता दें कि 18वें ओवर की चौथी बॉल पर जडेजा ने रोमारियो शेफर्ड को ऑफ साइड पर बॉल फेंकी और अंदर आती इस बॉल को शेफर्ड कट करना चाहते थे, लेकिन बॉल बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप की दिशा में चली गई, जिसे दूसरी स्लिप पर खड़े कोहली ने एक हाथ से कैच कर लिया। नंबर 5, 14वें ओवर की पहली बॉल पर किशन को जीवन दान, तो उसी में पांड्या रन आउट। दरअसल वेस्ट इंडीज के यानी कैरियर जब 14वां ओवर करने आए तो ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन ने बॉलर की ओर सामने शॉट खेला। कैरियो कैच पकड़ने आए तो उनसे कैच छूट गया, लेकिन बॉल कैरियो के हाथ से छिटक कर नॉन स्ट्राइक एंड के स्टंप्स पर जा लगी, और जब बॉल स्टंप पर लगी तब पांड्या क्रीज से बाहर थे। ऐसे में एक ही बॉल पर ईशान को जीवन दान मिल गया, तो पांड्या रन आउट हो गए। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।